नमस्कार दोस्तों मैं दिवाकर अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट आ रहे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता है आपका अपना परिवार कॉन्सेप्ट परिवार कॉन्सेप्ट परिवार पे हम आज तक देख रहे थे इमेज बेस्ड क्वेश्चन की कुछ सीरीज हमारे पास चल रही है इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमने एमएसएन से एक टॉपिक लिया है ई सी जी ई सी जी नाम का जो टॉपिक है वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है या तो आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लो या फिर आप इसके थ्योरी के क्वेश्चन ले लो या इसकी कुछ इमेजेस ले लो ईसीजी ओवरऑल इम्पोर्टेंट लगता है तो आज ईसीजी को हमने एक टारगेट बनाया है और इस ईसीजी यानी दिल की धड़कने सुनने का पूरा काम आज आपको सिखा दिया जाएगा कैसे ईसीजी के अंदर एक एक पॉइंट आने वाला है आज हम वन टू वन देखने वाले इसी के साथ मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ कॉन्सेप्ट आ रहे परिवार में जो कि आपका अपना परिवार है साथ ही साथ यहाँ का ऑफलाइन बेच चार मई से स्टार्ट हो रहा है और एक और यहाँ की खुशी की बात यह है कि एक लाइव फ्रोम क्लासरूम बीच भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो भी चार मई सुबह आठ बजे से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए विशेषता यह है कि एक क्लास को आप कितनी भी बार देख सकते हैं आपने नोट्स नहीं बनाए बीच में क्लास रह गई नेट खत्म हो गया कोई झंझट नहीं है आप कितनी भी बार एक क्लास को देखिए और नौ महीने तक कंटिन्यू देखिए प्रणाम आप सभी को राम राम राधे राधे गुड इवनिंग जय हो खाटू नरेश की वेरी गुड इवनिंग योगेंद्र जी किंग खान आदित्य बिट्टू बंजारा निर्मा हाकर कंवरपाल कुमावत जी आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट ने परिवार में देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है बिल्कुल आप सभी का स्वागत है बनवारी जी मनीषा जी रबीना जी लव पंजाबी प्रिया शर्मा जी Uh, सभी का स्वागत है और देखते हैं ये जो क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे छोड़ा गया था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन ऑफ द डे जो छोड़ा हुआ जाता है इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में करना होता है और ये डेली क्लास में आपको मिलेगा तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है हमने बोला कि ये इमेज किसकी है सबसे पहले तो ये इमेज यहाँ पर किसकी आपको ये पता लग जाना चाहिए और क्वेश्चन में आपसे पूछा इन द फॉलोइंग पिक्चर लिटिल फिंगर अंडर द जो यूज फोर क्या इसका राइट आंसर होने वाला है सी होगा अदिति शर्मा सी बता रहे हैं रेखा ज, यादव सी बता रहे हैं सुरेश गजरावत सी बता रहे हैं लव पंजाबी सी बता रहे हैं बिट्टू बंजारा जो थ्रस्ट मेन्यूवर बिल्कुल सही पहले तो हमें इसको पहचानना है कि ये कौन सा मेन्यूवर है तो ये आपका जो थ्रस्ट मेन्यूअवर है कौन सा जो थ्रस्ट मैन्यूवर है जो थ्रस्ट मेन्यूअवर है तो हम जो थ्रस्ट मैनेवर को कहा काम में लेते हैं हमने बोला सीपीआर में कहा काम में ले रहे हैं हम इसको सीपीआर के के अंदर एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए जो थ्रस्ट मैनेवर काम में लिया जाता है पर आपने और मैंने तो क्या सुना है पहले कि चिन लिफ्ट करवाते हैं हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड भी हम यहां पे यूज लेते हैं कौन सा मेथड यहां पे हम एक और मेथड काम में लेते हैं कौन सा हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट तो फिर ये कहां से आया जब किसी कोई व्यक्ति छत से गिर जाता है सड़क से एक्सीडेंट हो जाता है यानी कि उसके हेड में उसके फेस में उसके नेक में उसकी स्पाइन में अगर इंजरी होती है तो कौन सा मैन्यूवर हम काम में लेंगे हम यहाँ पे जो थ्रस्ट मेन्यूअवर काम में लेते हैं अब यहाँ पे हमने बोला कि जो लिटिल फिंगर है अंडर द जो इसका काम क्या है जब हम अंडर द जो लिटिल फिंगर को लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है मैंडिबल एंगल होता है कौन सा होता है टेम्पेरो मैंडिबल एंगल ज्वाइंट यहीं पे होता है तो यहाँ पे जब हम लिटिल uh, फिंगर लगाते हैं तो इसकी वजह से जो हमारा मैंडिबल uh, का जो एंगल होता है ये अबो हो जाता है यानी लिफ्ट हो जाता है यानी राइट आंसर क्या होने वाला है टू लिफ्ट द मैंडिबल एंगल क्या आंसर होगा टू लिफ्ट द मैंडिबल एंगल मैंडिबल एंगल को उठाने के लिए लिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं लिटिल फिंगर का यहां पर यूज करते हैं हॉस्टल से लड़कियां कूद जाती है ऐसा नहीं है लड़के भी कूद सकते हैं और अब आपकी स्टार्ट होती है ईसीजी ईसीजी स्टार्ट होती है सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपसे पूछा है अ नर्स मस्ट ऑप्टेन अ क्लाइंट्स एपिकल पल्स प्लेस एंड द साइट वेयर द नर्स शुड प्लेस द स्टेथोस्कोप नर्स स्टेथोस्कोप को कहां लगाएगी हम बोले यहां पे ए पे लगाने वाली है बी पे लगाने वाली है यहां पे सी पे लगाने वाली है या फिर डी पे लगाने वाली है क्या इसका राइट आंसर यहां पर होने वाला है एपिकल पल्स के लिए हम कहां पे इसको प्लेस करेंगे ए बी सी डी तीन पॉइंट आपके सामने बना दिए हैं तो धीरज राजपूत जी कह रहे हैं सर सी होगा प्रशस्ति जी बोल रहे हैं सी होगा ट्रेवल बाय हर्ट सी होगा प्रिया शर्मा सी होगा श्री रबीना कुशवाहा सभी सी जा रहे हैं देखते हैं क्या होता है आपसे पूछा है एपिकल पल्स के बारे में किसके बारे में पूछा है एपिकल पल्स के बारे में कहा इसको चेक करते हैं हम तो इसको हम चेक करते हैं आपके मिट्रल वॉल्व पर कौन से पर पर मिट्रल मिट्रल इसे हम वाल्व के नाम से भी जानते हैं मिट्रल वाल्व की लोकेशन आपसे होने, होने वाला है और मिड क्लेविकुलर लाइन पर होने वाला है एपिकल, पल, एपिकल जो पल्स हमें ऑब्जर्व करनी है, कहां पे अस्कल्टेट करनी है तो हम बोलेंगे और कहा बोलने वाले तो एमसीएल मिड क्लेविकुलर लाइन पे आप चेक कर सकते हैं तो यहां पे आप एपिकल पल्स चेक कर सकते हैं एपिकल पल्स कितनी देर तक आप चेक करते हैं तो फुल वन मिनट तक आपको एपिकल पल्स चेक करना होता है एपिकल पल्स कब तक चेक करना होता है तो हम कहेंगे फुल वन मिनट तक एपिकल पल्स आपको चेक करना होता है बिल्कुल सही आप सभी जा रहे हैं देखते हैं एक अन्य इमेज आपको क्या इंफॉर्मेशन देगी फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नर्स इज अग आर्टीरियल परफ्यूजन किसकोरियल परफ्यूजन को चेक कर रही है किसके अंदर इन क्लाइंट हु हैड सर्जरी विद द प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफ्ट फॉर एन एन्यूरिज्म इन द लेफ्ट फेमोरल आर्टरी कहाँ पे लेफ्ट फेमोरल आर्ट्री के अंदर उसने एन्यूरिज्म हुआ था और वहां पे सर्जरी हुई है तो अब नेक्स्ट प्लेस ऑन क्लास एंड एक्स ओवर द साइट टू द पल्स दिट शुड बी असिस्ट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम आर्टेरियल परफ्यूजन डिस्टल टू द ऑपरेटिव साइट यानी एक व्यक्ति है जिसकी क्या हुई है आपने लेफ्ट फिमोरल आर्टरी पे सर्जरी की है एन्यूरिज्म के लिए तो आप एक प्लेसमेंट बताइए जहां पे आप पल्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं तो फिर से क्या ये ए होने वाला है यहां पर बी होने वाला है यहां पर सी होने वाला है और यहां पे डी होने वाला है क्या इसका राइट आंसर होने वाला है ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा कौन सा राइट आंसर इसका होने वाला है आप सभी के लिए आंसर धीरज राजपूत जी ए बता रहे हैं बिट्टू बंजारा ए बता रहे हैं सत्येंद्र जी डी बता रहे हैं योगेंद्र जी ए बता रहे हैं प्रशस्ति व्यास जी बी बता रहे हैं अदिति शर्मा बी रेखा यादव बी रबीना बी बिल्कुल सही आप सभी जा रहे हैं देखिए आपने क्या किए एन्यूरिज्म के लिए सर्जरी किए सर्जरी कहां से की आपने तो आपने सर्जरी की है लेफ्ट लेग से लेफ्ट लेग से आपने सर्जरी की है इंसिजन वगैरह यहां लगाया है ब्लीडिंग यहां से हुई है अब यहां से आगे सर्कुलेशन है या नहीं है या फिर यहां से आगे आर्टेरियल परफ्यूजन है या नहीं है इसको चेक करने के लिए डिजिटल साइड पे हम पल्स चेक करते हैं यानी क्या चेक करते हैं हम असिस्ट पल्स एट डिस्टल साइट डिस्टल साइट अब डिस्टल साइट कहाँ पे होने वाली है तो कौन सी होने वाली है पैडल पल्स होने वाली है यानी कौन सी पल्स होगी पैडल पल्स यहाँ पे इसका आंसर जाने वाला है पर आपको पैडल पल्स नहीं बोलना है आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है और मार्किंग राइट वाली कौन सी होगी हमसे पूछा लेफ्ट फेमोरल यानी लेफ्ट लेग ये वाली है तो यहाँ पे पेडल पल्स कहाँ पे फील होने वाली है हम कहेंगे बी यानी कि बी पर क्या होने वाली पैडल पल्स फील होने वाली है ये आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है पैडिकल पल्स या पैडल पल्स हम इसको बोलते हैं धन्यवाद आप सभी के लिए बिल्कुल सही है कि आपको क्या करना है जहां पे आपने इंसिजन लगाया जहां आपने प्रोसीजर किया है उससे दूर की साइड डिजिटल साइड पे आपको आर्टेरियल परफ्यूजन चेक करना है कि वहां तक पूरा आर्टेरियल परफ्यूजन जा रहा है या नहीं जा रहा है वहां तक ब्लड सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है इसके लिए आप वहां पर क्या करते हैं आप वहां पर पे पेडल पल्स चेक करने वाले हैं अब बिल्कुल सभी राइट आंसर कर लीजिए आंसर क्या होगा यहां पे बी होने वाला है यानी कि हम पेडल पल्स चेक करने वाले हैं इसी के साथ बने रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है आपकी प्यारी ईसी जी यहाँ पर आ चुकी है क्लास में शोर हो रहा है तो अपने नियर बाय जो भी बैठे हुए उनको चुप करा दीजिए और क्लास को अपने यार दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कहिए कि ईसीजी की आज क्लास है और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है डेफिनेटली आज की क्लास से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है आप अपने आप को शांत कीजिए पूरी क्लास अपने आप शांत हो जाएगी और क्लास का आनंद भी आपको आने वाला है यहां पे आपसे पूछा गया है अ नर्स ऑब्जर्व द कार्डियक मोनिटर ऑफ अ क्लाइंट हु हैज पेस मेकर इंसर्टेड उसने क्या किया है पेस मेकर लगाया हुआ है यहां पे नेक्स्ट पूछा गया है प्लेस एंड एक्स ओवर द रिदम स्ट्रिप देयर इज एविडेंस ऑफ काम कर रहा है इसके लिए कौन सी स्ट्रिप वहां आना चाहिए कौन सी वेव वहां आना चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी क्या ए वाली आनी चाहिए बी वाली आनी चाहिए सी आना चाहिए या डी आना चाहिए क्या इसका राइट आंसर है आप सभी को आंसर बताना है बिल्कुल सही आप सभी जा रहे हैं बी होगा बी होगा यानी कि अगर हम बात करें एक पेशेंट को क्या लगा हुआ है पेसमेकर क्या लगा हुआ है पेस मेकर लगा हुआ है अब जब उसके अंदर पेसमेकर लगा हुआ है तो कौन सी वेव वहां बनती है तो हम बोलेंगे स्पाइक पैटर्न में वहां पे वेव बनती है यानी कि स्पाइक पैटर्न अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे पेसमेकर आपका काम कर रहा है यानी स्पाइक पैटर्न पे देखने को मिल रही है आपको ए के अंदर ये देखिए इस तरीके से यहां पे वेव बनी हुई है तो ये जो बी है जहां पे स्पाइक पैटर्न शो हुआ है वो किसको शो कर रहा है आपका तो पेस मेकर आपका फंक्शनिंग है ये इस चीज को यहां से शो कर रहा है इसी तरीके से ईसीजी स्टार्ट यहां से प्रॉपर हो चुकी है अब देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या बताया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तब जागो तब सवेरा अब जुड़ जाइए क्लास के साथ में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देने वाला है आपसे क्लास में पूछा गया है नर्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिसमिया ऑन अ क्लाइंट्स कार्डियक मोनिटर वोट रिदम द नर्स आइडेंटिफाई आपको ईसीजी को देखकर बताना है कि निम्न में से ये कौन सी इसीजी को शो कर रहा है क्या ये एट्रियल फ्लटर है क्या ये एट्रियल फिब्रिलेशन है क्या ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है क्या इसका राइट right आंसर होने वाला है आप सभी को इसका आंसर लगाना है तो यहां पे आंसर किया जा रहा है आरती शर्मा बोल रहे हैं कि इसका आंसर सी होगा पूजा मेवाड़ा सी मनीषा बी श्वेता वेरी गुड इवनिंग बिट्टू बंजारा सी होने वाला है लव पंजाबी ए होने वाला है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी कि मिले जुले आंसर आ रहे हैं कोई बी बता रहा है कोई सी बता रहा है कोई ए भी बता रहा है वी एफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अजीब सी खुशी है चेहरे पर देखते हैं क्या देखा गया है यहाँ पे चार नाम आपके पास में लिखे हुए है हैं सबसे पहले ये जो ई सी जी है इसके अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये जो ईसीजी इसके अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो ईसीजी जिसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है उसको आप क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या बोलने वाले हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलने वाले हैं यानी क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होने वाला है सी होने वाला है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इसका यहां पे आंसर है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को हम क्या बोलते हैं लाइफ थ्रियटनिंग थ्रियटनिंग कंडीशन या फिर इमरजेंसी बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे इमरजेंसी यहां पर बोलने वाले हैं अब यहां पे आपको क्या करना है ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे नंबर no. वन आपको डिफिब्रिलेट करना है नंबर no. टू आपको सीपीआर कर देना है नंबर no. वन तो आपको क्या करना है डिफिब्रिलेशन करना है डिफिब्रिलेशन करना है और नंबर no. टू आपको क्या करना है यहां पर सीपीआर स्टार्ट करवा देना है सबसे पहले डिफिब्रिलेट करो उसके बाद सीपीआर करो यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन वेंटिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर ईसीजी में ऐसी वेव आती है जो हमें कुछ समझ में ही नहीं आती है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल सही आप सभी जा रहे हैं ये नाम भी फ्रिक्वेंटली अभी आगे आ जाएंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपसे पूछा गया है A client is receiving continuous ECG monitoring while intravenous medication is being administered for the premature ventricular complex. What dysrhythmia does the nurse conclude that the client experience when the following rhythm appears on the ECG monitoring? यानी कि आप कोई इस यहां पे वापस से या तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए या फिर आप यहां पे ई को देखकर ही आंसर कर दीजिए क्या आप सबको ई क्लियर नजर आ रही है अगर ईसीजी क्लियर नहीं भी नजर आ रही है तो यहां पे वापस से आपके लिए चेंज कर दी जाएगी इस तरीके से अभी नहीं नजर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है टेलीग्राम पे आपके पास पी आ जाएगी वहां पर आप दोबारा एक रिविजन लगा लेना ये यहां पे क्या है ई की वेव आपको दिखाई गई है ईसीजी की वेव कुछ इस तरीके से यहां पे दिखाई गई है क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह की वेव है इसका आंसर क्या आने वाला है आपको बताया जा रहा है धीरज रखिए यहां पे क्या होने वाला है आपने क्या देखा कि ये वेव है यहां पे क्यू आर एस क्यू आर एस सेगमेंट क्या है यहां पर वाइड हो गया है पे 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 क्या 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 हो हो गया है? Wide हो गया है? है। है? है। देखने 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 को 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 मिल मिल रहा रहा आपको तो टेकी कार्डिया इस कंडीशन को, को आप क्या बोलते हैं वेंट्रिक्युलर टेकी कार्डिया आप इसको बोलने वाले हैं वेंट्रिकुलर टेकी कार्डिया में भी दो कंडीशन होती है आप जब किसी वेंट्री टेक कार्डिया वाले पेशेंट को देखेंगे तो सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे पल्स चेक करेंगे पल्स चेक करने वाले हैं अब वहां पे दो कंडीशन हो सकती है एक तो पल्स चल रही हो और एक पल्स नहीं चल रही हो यानी कि पल्स वाली यहां पे कंडीशन देखने को मिलेगी यानी कि पल्स वीटी पल्स की कंडीशन में आपको वेंट्रिकुलर टेकी दिखे तो आप क्या करेंगे कुछ नहीं करने वाले कार्डियो वर्जन करने वाले हैं कार्डियो वर्जन परफॉर्म करने वाले हैं ट्रीटमेंट में अगर आपने चेक किया कि वीटी की कंडीशन है मॉनिटर पर जो क्यू आर एस सेगमेंट थे वो वाइड हो चुके हैं और वाइड होने के बाद में क्या देखने को मिला आपको यहाँ पे इस कंडीशन को आपने बोला वीटी पर यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको पल्स नहीं चल रही है पल्स लेस कंडीशन है अगर यहाँ पे पल्स नहीं चल रही है तो आप क्या करेंगे पल्स नहीं चल रही है यानी कि ये कौन सी कंडीशन होने वाली है आपकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन होने वाली है यानी आप क्या करेंगे यहाँ पे नंबर वन तो आपको डीफिब्रिलेशन करना है डी फिब्रिलेशन करना है दूसरा आपको यहां पे सीपीआर देना है कंडीशन आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो एक ऐसी ईसीजी जहां पे आपको क्यू आर एस सेगमेंट वाइड वाइड देखने को मिले वहां पे आप क्या बोलने वाले हैं कि वेंट्रिकुलर टेकि हो गया है अब आप क्या करेंगे सबसे पहले पल्स चेक करने वाले हैं आपने पल्स चेक की तो या तो आपको पल्स सही मिलेगी या आपको पल्स नहीं मिलेगी अगर आपको पल्स मिलती है तो आपको कार्डियोवर्जन करना है और पल्स अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको फिब्रिलेशन करना है और सेकेंड प्रायोरिटी पर आपको सीपीआर देना है बिल्कुल आशा करता हूँ राधे राधे आपको समझ में आ रहा होगा और अगर आपको समझ में आ रहा है तो सामने खड़े हुए इस टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्लास को लाइक करिए शेयर की कीजिए और अच्छा लग रहा है तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइए देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज हियर रेट इन द फॉलोइंग आपको एक ईसीजी यहां पे दी हुई है एक सिंपल ईसीजी आपको बताई गई है इस ईसीजी के अंदर आपको क्या करनी है रेट पता करना है हार्ट रेट निकालनी है आप कैसे निकालेंगे वेरी गुड इवनिंग सोनू रावत अब जुड़े क्लास के साथ मैं, continuation में कंटिन्यूएशन में तो यहाँ पे आशा करता हूं पहले तो आपको प्रॉपर ईसीजी दिख रही होगी अगर हम थोड़ा सा ईसीजी का क्या ले आउटफिट लेते तो किसने इसको खोजा तो यहां पे किसने खोजा यहाँ पे तो विलियम एंथवान विलियम एंथवान ने इसको खोजा नेक्स्ट अगर हम बोले ईसीजी के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है तो ये आपकी एक पॉजिटिव वेव है ये क्या है आपकी इस तरीके से एक ईसीजी बन जाती है इस तरीके से अगर हम बात करें इस तरीके से यहां पे एक ईसीजी आपको देखने को मिलती है क्या ईसीजी में आपको देखने को मिलेगा तो हम बोलेंगे इस वेव को आपने क्या कह दिया पी वेव आपने बोला यहाँ पे क्यू वेव है ये आर वेव है ये एस वेव है ये टी वेव है यहाँ पे एक जनरल आपको कंडीशन बताई जा रही है पहले ताकि आप नॉर्मल को सॉल्व कर सके तो यहां है, है, को मिलेगी तो एक देख लेते हैं कब कब ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है हम बात करते हैं किसकी पी वेव की पी वेव की कंडीशन में क्या होगा आपका तो हम जवाब देंगे एट्रियल एट्रियल डी पोलराइजेशन एट्रियल डी पोलराइजेशन आपको देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको क्यूआरएस सेगमेंट क्यूआरएस सेगमेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है तो क्यूआरएस सेगमेंट के अंदर आपको यहां पे वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डी पोलराइजेशन देखने को मिलेगा वेंट्रिकुलर डी पोलराइजेशन देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट अगर हम बात करें टी वेव आपको क्या शो करती है टी वेव तो ये आपका वेंट्रिक्यूलार वेंट्रिक्यूलर रीपोलेराइजेशन को शो करती है नेक्स्ट अगर एक दो इंटरवल यहां पे चलते हैं एक आपका पीआर इंटरवल होता है एक आपका क्यूटी इंटरवल होता है और कभी कभी यहां पे ईसीजी के अंदर क्या होते हैं यू वेव आ जाती है यू वेव आ जाती है तो यू वेव आने का कारण क्या बताते हैं हम यू वेव आने का कारण है कि अगर प्रोमिनेंट यू वेव आती है प्रोमिनेंट यू वेव आती है तो इसका कारण हम यहां पर बताते हैं आपको हाइपो कैलेमिया हाइपो कैलेमिया और अगर प्रोमिनेंट नहीं है और अगर नॉर्मल है नॉर्मल कंडीशन में आपको नहीं मिलती है पर अगर प्रोमिन एक तो होता है प्रोमिनेंट होना और एक होती थोड़ी बहुत दिख रही है तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे यहां पे रिपोलराइजेशन ऑफ परकिजे फाइबर नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए पी इंटरवल पी इंटरवल क्या है और आपका क्यू इंटरवल क्या है क्यू इंटरवल यहाँ पर क्या है तो क्यूटी इंटरवल क्या है यहां पर तो PR इंटरवल तो क्या होता है इंपल्स का एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसमिशन होना, का एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जाना, ये तो आपका को मिलने वाला है नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्यूटी इंटरवल क्या है तो क्यूटी इंटरवल आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के लिए क्यूटी इंटरवल आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किस रिगार्डिंग तो आप यहां पर बात करेंगे एक तो आपका वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन दूसरा आपका वेंट्रिक्यूलर रीपोलेराइजेशन नेक्स्ट कितना टाइम लगता है यहां पे पर हाँ, आपके इंटरवल में तो क्यूटी इंटरवल में कितना टाइम लगेगा तो क्यूटी इंटरवल में जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है वो होने वाला है आपका जीरो आपकी पी वेव में कितना टाइम लगता है तो आपकी पी वेव के अंदर अगर हम टाइम की बात करें तो ये होता है आपका जीरो पॉइंट जीरो आठ से जीरो पॉइंट बारह होने वाला है नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्यू आर एच सेगमेंट में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है तो यह आपका लगने वाला है 0.08 से 0.10 सेकंड होने वाला है नेक्स्ट टी वेव के अंदर आपको कितना टाइम लगता है तो टी वेव का जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है कितना दिया गया है तो टी वेव का टाइम ड्यूरेशन है आपका जीरो पॉइंट दो सेकेंड दिया हुआ ये तो कुछ इंफॉर्मेशन आपकी किस रिगार्डिंग थी आपकी पूरी ईसीजी में कि पी वेव किसको दर्शाती है एट्रियल डिपोलराइजेशन आपके क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन पी आर इंटरवल एट्रियम से वेंट्रिकल तक इंपल्स का जाना क्यू टी इंटरवल आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेंट्रिकल नेक्स्ट यहां पे एक चीज लिखी हुई है यू वेव कब दिखेगी तो हाइपोकेलेमिया की कंडीशन में आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही साथ ये क्या चीज है यहाँ पे ये क्या चीज है तो ये आपका एस टी सेगमेंट है एस टी सेगमेंट है ये या तो एलिवेट हो सकता है या डिप्रेस हो सकता है या तो ये एलिवेट हो सकता है या फिर ये आपका डिप्रेस हो सकता है नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या शुरू किया था एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं जिसको स्क्रीन शॉट लेना है आप ले सकते हैं तो शुरू करते हैं यहां से हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में आपकी ये वापिस पी वेव है ये क्यू वेव आर वेव एस टी इस तरीके से यहां पे वेव दिखाई गई है अब यहां पे आपसे क्या पूछा गया है हार्ट रेट पूछी गई है हार्ट रेट निकालने का फॉर्मूला है यहां पर 300 को आपको डिवाइड करना है किससे दो आर वेव के बीच में जितने लार्ज बॉक्स आते हैं लार्ज बॉक्स नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन टू आर वेव दो आर वेव के बीच में जितने नंबर के लार्ज बॉक्स आ रहे हैं आप उसको डिवाइड करो 300 में तीन में उसका भाग दो तो यहां पे हार्ट रेट निकल के आने वाली है अब गिनो इसको तो 1, 2, 3, 4, 5, और 6, फिर यानी दोनों आर वेव के बीच में बॉक्स आ रहे हैं यानी कि तीन सौ में हम किसका भाग देने वाले हैं तो तीन सौ में आप भाग देने वाले हैं किसका छे का यानी राइट आंसर क्या आने वाला है तो फिफ्टी आने वाला है यानी फिफ्टी बीपीएम इसका यहां पे आंसर निकल के आने वाला है बिल्कुल आप सभी बिल्कुल सही जा रहे हैं फिफ्टी बीपीएम यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है फिफ्टी बीपीएम इज द राइट आंसर देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आपको मिलने वाली है क्या आपको दी गई इंफॉर्मेशन समझ में आई अगर आपको दी गई इंफॉर्मेशन समझ में आई है तो एक बार हैंड्स अप कर दीजिए और देखते हैं एक next question, आपको क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है धन्यवाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि वापिस से आपको एक इमेज दी गई है ईसीजी की यह वापिस से यहां पे ईसीजी की इमेज दी गई है इस तरीके से इस तरीके से यहां पे एक ईसीजी की इमेज आपको शो की गई है इस ईसीजी की इमेज में आपको यह बताना है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल से आप सबका धन्यवाद है देखना है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है ईसीजी को आपके ईसीजी को देखिए और बताइए क्या ये साइनस टेकी कार्डिया है क्या ये एट्रियल टेकी कार्डिया है क्या ये एविनोड रिट्रेंट टेकी कार्डिया है या वेंट्रिकुलर टेकि कार्डिया है क्या इसका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है आप सभी का धन्यवाद अब जुड़ जाइए क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ईसीजी की इमेज को देखकर बताइए कि दी गई इमेज आपको क्या शो कर रही है अगर यहां पे हम डायरेक्टली बात करें आपकी एक आरवेव यह एक आरवेव यहां है यह आरवेव यहां है और आरवेव यहां है अगर हम सबके बीच में बात करें तो वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री जब आपके पास में पीडीएफ आएगी तो आपको प्रॉपर दिखेगा यहाँ पे डायग्राम अभी यहाँ पे आप सिर्फ इतना देखिए कि सभी वेव के बीच में कितनी कितनी स्पेस है यहाँ पे तीन तीन की स्पेस यहाँ पर है तीन बड़े लार्ज बोक्स है तो हम कितने का भाग देंगे तीन सौ में तीन का भाग देंगे कितना आने वाला है सो आने वाला है सो बीपीएम अब हम बात करते हैं सो BPM का है तो हम नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है सिक्सटी से हंड्रेड देखने को मिलती है अगर सिक्सटी या सिक्सटी से कम है तो इसको हम बोलेंगे ब्रेडी कार्डिया होने वाला है नेक्स्ट हंड्रेड से कम है तो हम इसको बोलने हंड्रेड से ज्यादा है तो इसको हम बोलने वाले हैं टेकी कार्डिया होने वाला है अब जब आपने देखा कि टेकी काडिया तो आप यहां पे बोल रहे हैं पर हर बार यहां पे सेम गेप चल रहा है यानी कि सेम गेप के साथ में ईसीजी यहां पे चल रही है तो इस कंडीशन में आपको क्या बोलेंगे हम कि साइनस टेकी काडिया आपको देखने को मिलने वाला है क्या देखने को मिलने वाला है साइनस टेकी काड़िया देखने को मिलने वाला है अब ध्यान से फिर से दो कंडीशन बिल्कुल सही आप सभी को सैल्यूट है आप सब राइट आंसर दे रहे थे आंसर ए होगा साइनस टेकी होने वाला है अब देखते हैं नेक्स्ट यहीं से आपको और क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली सुन लीजिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे हमने बात की ये जो इमेज है किसकी है आपकी साइनस टेकी कार्डिया की है टेकी कार्डिया का मतलब क्या होता है तो 100 से ज्यादा हो गई है आपकी हार्ट रेट 100 से ज्यादा जैसे ही होगी तो यहाँ पे आर वेव जो होती है आर वेव ये पास पास आ जाती है आर वेव क्या होती है पास पास आने लग जाती है जैसे इस कंडीशन में आई

और आर के बीच में अगर जगह ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे साइनस ब्रेडी की कंडीशन देखने को मिलेगी ठीक है और साइनस ब्रेडी के लिए पूछा जाता है कि साइनस ब्रेडी में आप कौन सी मेडिसिन देने वाले हैं तो यहाँ पे आप एट्रोपिन सल्फेट यहाँ पर देने वाले हैं देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है अगर क्लास की दी हुई इंफॉर्मेशन आपको उपयोगी लग रही हो और आपको लगता है आपके लिए कंटेंट फुल है तो अपने दोस्तों तक भी बताइए उनका भी भला कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ देयर वर इफ देयर वर थ्री लार्ज स्क्वायर इन आर आर इंटरवल वोट द हार्ट रेट बी यानी कि फिर से आपसे एक सिंपल क्वेश्चन वही आपसे रिपीट कर दिया गया है कि दो 300 में आपको भाग देना है कितने लार्ज बॉक्स यहां हैं तो तीन हैं यानी कि हार्ट रेट निकल के आ जाएगी आपको बीपीएम कितनी 100 बी पी एम राइट आंसर इज 100. अब मेरा आपसे क्वेश्चन यह है बिल्कुल आप सभी का आंसर बी जा रहा है बिल्कुल आप सब बिल्कुल तरक्की की ओर है देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट एक एक इनफॉर्म क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें जब लार्ज बॉक्स का भाग देना था तब तो आपने तीन सौ में दिया लेकिन हम जब स्मॉल बॉक्स को काउंट करेंगे स्मॉल बॉक्स के नंबर काउंट करेंगे तो किसके अंदर हम भाग देने वाले हैं यह आप मुझे बताइए अगर लार्ज तो बॉक्स से हम भाग देते हैं तो तीन सौ में देते हैं अगर स्मॉल बॉक्स से हम भाग देते हैं तो पंद्रह सौ के अंदर देने वाले हैं। सही आप सभी जा रहे हैं पूजा मेवाड़ा बिल्कुल सही आप सभी जा रहे हैं देखते हैं एक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन यहां से देने वाला है अब ईसीजी की इमेजेस के बाद में ईसीजी की इमेजेस के बाद में यहां से अगर हम बात करें कि और भी कुछ इमेज है अभी तो दो इमेज और हम फ्रीक्वेंटली देख लेते हैं उसके बाद में चलो यहीं से पहले हम इन इमेजेस को सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल ईसीजी के थ्योरिकल क्वेश्चन हम बाद में करने वाले हैं क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एंड सर्कल पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म यानी एन सर्कल या फिर मैं सीधी सी बात कहूं कि सर्कुलर वेव कौन सी है सर्कुलर वेव आपकी कौन सी होने वाली है इस ईसीजी के अंदर तो वापस से हम बात करें तो पी होने वाला है क्यू होने होने वाला है R, A, होने है आर एस टी वाली इस तरीके से यहां पे वेव चल रही है और इसी में आपको हल्का सा एलिवेशन यहां पे यू वेव का भी मिल गया है अब देखते हैं सर्कुलर वेव किसको कहते हैं तो और आप सभी के जवाब आ रहे हैं सी होगा सी होगा धीरज राजपूत सी बता रहे हैं सोनू सी बता रहे हैं मोनिका जी सी बता रहे हैं बिल्कुल प्रिंसी जी सी बता रहे हैं दीपिका जी सी बिल्कुल सही आप सभी का आंसर है पर छोटी सी इंफॉर्मेशन क्योंकि हर जगह से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है देख लेते हैं एक बार इंफॉर्मेशन में कि यहां पे जो सबसे पहले ये जो लाइन आपको एक्सिस बताया हुआ है एक्सिस इस तरीके से बताया हुआ है यहां पे इस एक्सिस के ऊपर जितनी भी वेव है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव वेव क्या बोलेंगे पॉजिटिव वेव साथ ही साथ नीचे जो है उसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव वेव बोलने वाले हैं अगर आपसे मैं पूछूं पी वेव कौन सी है आपकी तो पी वेव के बारे में आप क्या बोलोगे आपकी फर्स्ट पॉजिटिव वेव है कौन सी है आपकी फर्स्ट पॉजिटिव वेव होने वाली है नेक्स्ट आपकी क्यू आर एस क्यू आर एस के बारे में अगर पूछा जाए तो क्यू आर एस आपकी सेकेंड पॉजिटिव वेव होने वाली है आफ्टर दिस टी वेव टी वेव आपकी कैसी है तो टी वेव आपकी यहां पर थर्ड पॉजिटिव वेव होने वाली है इसी के साथ में यहां पे क्यू आर एस को ही आपने क्या बोला तो सर्क्यूलर वेव भी आपने इसको बोला नेक्स्ट अगर फिर से दो क्वेश्चन पूछे आपसे कि फर्स्ट नेगेटिव वेव कौन सी है और सेकंड नेगेटिव वेव कौन सी है हम बात करते हैं फर्स्ट नेगेटिव वेव कौन सी है यहाँ पर और सेकंड नेगेटिव वेव कौन सी है तो हम बोलेंगे आपकी फर्स्ट नेगेटिव वेव तो है आपकी क्यू वेव होने वाली है और आपकी सेकंड नेगेटिव वेव कौन सी होने वाली है तो वो आपकी आर पी क्यू आर एस एस वेव यहाँ पर होने वाली है यहाँ से एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी पर्टिकुलर वेव के बारे में किस वेव को हम क्या बोलते हैं किस वेव से हम क्या समझते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पी वेव हमारी फर्स्ट पॉजिटिव वेव है क्यू आर एस यानी कि हमने क्या बोला आर वेव के रिगार्डिंग तो आर वेव हमारी क्या है सेकेंड पॉजिटिव वेव है यहाँ पे आप क्यू आर एस ना करके सिर्फ आर कर लीजिए यहां पे सिर्फ आर कर लीजिए कि आर वेव आपकी सेकंड पॉजिटिव वेव है और आपकी टी वेव कौन सी है आपकी थर्ड पॉजिटिव वेव है

कारण किसके कारण हाइपोकैलेमिया के कारण आपको यहां पे दिखाई दे रही है इस तरीके से ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए थी और क्वेश्चन का जो राइट right आंसर होने वाला है बिल्कुल सी होने वाला है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है बताइए डायग्नोज अंडरलाइंग मेडिकल डिसऑर्डर दीजी चेंजेस इन द फोटोग्राफ इस ईसीजी में आपको क्या दिखाई दिया है क्या आपको देखने को मिल रहा है सॉरी उसके लिए स्क्रीन शॉट के लिए तो मिटा दिया गया है आप प्रीवियस जाइए और वहां से ले लीजिए हा पेपिलरी मसल की वजह से ही दिखती है बिल्कुल पेपिलरी मसल की वजह से दिखती है फ्लो में परकिंजे फाइबर निकल गया है देखते हैं नेक्स्ट इस यहां पे आपसे क्या पूछा गया है आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये आपको ये क्यू आर एस वाइड देखने को मिल रहा है कहीं पे भी आप देख लो ये देखो वापिस आपका क्यू आर एस वेव वाइड है यहां पे फिर से इसके अंदर भी क्यू आर एस वेव वाइड है यहां पे भी आप वापिस स्टार्ट करें तो क्यू आर एस वेव आपको वाइड देखने को मिल रही है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आप शो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी के आंसर आना शुरू हो गए हैं कि सर डी होने वाला है श्री बोल रहे हैं डी होगा श्री बी बता रहे हैं मोनिका सिर्फी डी कवरपाल डी योगी जी सी धीरज राजपूत डी सत्यवीर डी पूजा मेवड़ा डी यानी सभी या आप सब डी बता रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है आपको तो यहाँ पे आपने क्या देखा दो कंडीशन आपके सामने होती है एक होती है आपके सामने हाइपर कैलीमिया की एक होती है आपके सामने हाइपो कैलीमिया की दो कंडीशन आपको मोस्टली देखने को मिल सकती है हाइपोकेलेमिया हो तब क्या क्या ईसीजी में अंतर आने वाला है और आपका हाइपर हो तब क्या क्या यहां पे चेंजेस आने वाले हैं ये भी आपको यहां पर देखना है तो अगर हम बात करें हाइपोकेलेमिया की कंडीशन में क्या क्या देखने को मिलेगा तो हाइपोकेलेमिया की कंडीशन में सबसे पहले तो आपको यू वेव देखने को मिलती है क्या देखने को मिलेगी यू वेव देखने को मिलेगी नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका एसटी सेगमेंट है ये कैसा हो जाता है डिप्रेस्ड होने वाला है डिप्रेस्ड होने वाला है नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे पीआर इंटरवल है कौन सा पीआर इंटरवल है ये शॉर्ट होने वाला है ये चार इंफॉर्मेशन आपको मिलती है यू वेव कैसी हो जाए यू वेव दिखेगी आपको हाइपोकेलेमिया में आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाएगा पीआर की पीआर नहीं बताएंगे हम यहाँ पे पीआर की जगह हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं बेस्ट आंसर पी की जगह यहाँ पे जो हमें बताना है देखते हैं इसको थोड़ा सा स्कीप कर दीजिए हाइपर केलीमिया में आपको क्या करना है हाइपर केलीमिया के अंदर टी वेव सबसे पहले हम किस रिगार्डिंग बात करेंगे टी वेव के रिगार्डिंग तो यहाँ पे टी वेव कैसी हो जाती है टॉल देखने को मिलती है और यहाँ पे थर्ड टी वेव कैसी देखने को मिलती है तो ये फ्लैट हो जाती है तो यहाँ पे हाइपोकेलिमिया में तीन कंपोनेंट होते हैं आपको यू वेव दिखेगी आपकी टी वेव फ्लैट हो जाएगी एस टी सेगमेंट डिप्रेस देखने को मिलेगा आपकी जो हाइपर की कंडीशन है इसमें टी वेव टाल हो जाती है क्यू आर एस कैसे हो जाती है वाइड देखने को मिलती है पी आर सेगमेंट आप पी आर इंटरवल आपका प्रोलोंग देखने को मिलता है साथ ही साथ जो आपकी यहां पे टी हो गई क्यू आर एस वेव हो गई पी आर इंटरवल हो गया इसी तरीके से यहाँ पे एस टी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये एलिवेट हो जाता है एस टी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है तो हम बात करें यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है सबके अंदर ईसीजी के अंदर क्यू आर एस वाइड देखने को मिल रहा है और क्यू आर एस यहाँ पे वाइड देखने को मिल रहा है तो ये किसकी पहचान है किसको इंडिकेट कर रहा है आपके हाइपर केलेमिया को ये आपके इंडिकेट कर रहा है इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है हाइपर केलेमिया होने वाला है बिल्कुल सभी का डी आंसर अब आना शुरू हो गया है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है ये तो कुछ ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में व्हाट इज द मोस्ट परसिस्टेंट इसी चेंज फॉलोइंग द मायोकार्डियल इंफ्राक्शन यानी एमआई का एक पेशेंट है किसका पेशेंट है आपके पास में एमआई एमआई का एक पेशेंट है यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का एक पेशेंट है इस वक्त के पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कौन सी वेव देखने को मिलेगी कि आप कहेंगे परसिस्टेंट ईसीजी चेंजेस है यानी पहले से बीमारी हो सकती है क्या वो क्यू वेव है क्या पी वेव है यू वेव है या आपके पी इंटरवल है क्या यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है अगर हम आपसे बात करें एम आई के अंदर एम आई पहले तो दो तरीके से होता है एक होता है एस टी सेगमेंट एलिवेंट एम आई नेक्स्ट नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेटेड एम आई इस तरीके से दो एम आई होते हैं जो एस टी सेगमेंट एम आई होता है एलिवेशन वाला जिसके अंदर की क्या होता है ये आपका क्या है नॉर्मल कंडीशन है इस तरीके से आपकी यहां पर एस टी सेगमेंट क्या हो जाता है एलिवेटेड देखने को मिलता है एस टी सेगमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा एलिवेटेड देखने को मिलेगा एलिवेटेड एलिवेटेड एस टी सेगमेंट किस कारण होता है ये तो हम कहेंगे थ्रोम्बस के कारण यहाँ पे कारण क्या है इसका थ्रोम्बस यहाँ पे बन जाता है और यही यहाँ पे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है तो जब यहाँ पे एस टी थ्रोम्बस थ्रोम्बस बन जाता है एस टी सेगमेंट एलिवेशन हो जाता है तो हम दवाई कौन सी देंगे थ्रोम्बोलाइटिक यानी कि स्टेप्टोकाइनेस देने वाले हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर किसकी रिगार्डिंग एक और यहां पे कंडीशन बताइए कि यहाँ पे एस टी सेगमेंट नहीं बनेगा यानी नॉन सेगमेंट एलिवेशन एम आई होने वाला है इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा ये कंडीशन होती है आपकी प्लेटेलेट प्लेटेलेट के एग्रीगेशन होने के कारण तो हम यहाँ पे प्लेटिलेट का एग्रीगेशन ना हो इसलिए मेडिसिन कौन सी देंगे एस्पिरिन यहां पर देने वाले नेक्स्ट अगर आपसे अब बात कर ली जाए कि और क्या चेंजेस देखने वाले एम आई में तो कुछ कार्ड मार्कर जिसमें आप ट्रोपोनिन यहां पे स्पेशली बात करने वाले हैं और इसी की तरह ईसीजी हम पढ़ रहे हैं तो ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा ईसीजी के अंदर एक ऐसी वेव देखने को मिलती है क्यू वेव जो कि कभी भी पे चेंज नहीं होती है क्यू वेव का मतलब है अगर Q, आपने ईसीजी की और अगर किसी में क्यू वेव एबनॉर्मल मिली तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट को पहले से एम देखने को मिला था यानी कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर तो क्या होगा एक क्यू वेव देखने को मिलेगी

एस टी एलिवेशन देखने को मिलता है एस टी एलिवेशन देखने को मिलता है और डिप्रेशन देखने को मिलता है और इन दोनों का मतलब क्या है एलिवेशन होने वाला है यानी कि यहां पे कुछ वेव है जो फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब होती है आपकी टी वेव इनवर्स हो जाती है एस टी और डिप्रेस दोनों होता है क्यू आपकी क्या होती है एबनॉर्मल देखने को मिलती है और आपसे पूछा जाए प्रीवियस एम आई को

डिजॉक्सिन डिजॉक्सिन के दौरान आप कौन से चेंजेस दिखाते हैं तो हम बात करें यहाँ पे सिंपल अगर हम बात करना चाहें कौन कौन सी हम बात करेंगे क्यूटी इंटरवल इंटरवल में 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 चेंजेस आता आता चेंज आता है आपके में चेंज आता है है आपके आपके पीआर चेंज चेंज एसटी सेगमेंट आपकी टी वेव में चेंज आता है अब एक ट्रिक मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए क्यू टी क्यू टी घर में छोटी बहन होती तो हम बोलते छोटी क्यू टी मतलब छोटी यानी क्यू टी कैसा हो जाता है शोर्ट हो जाता है हमने क्या बोला छोटी नेक्स्ट हमने बोला पी आर प्रोलोंग प्रोलोंग यानी कि यहाँ पे प्रोलोंग के अंदर ही क्या आ रहा है आपका प्रोलोंग प्रो के अंदर ही क्या देखने को मिल रहा है आपको

जी चेंजेस कौन से आएंगे तो ये आपको यहां पर बता दिए गए नेक्स्ट देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कुछ टाइम इंटरवल वाले क्वेश्चन है जो कि आपको टाइम इंटरवल पहले बता दी बता दिए गए हैं तो क्वेश्चन देखते ही उड़ा दीजिए व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नॉर्मल पीआर इंटरवल पीआर इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना देखने को मिलता है ईसीजी के अंदर वेरी गुड इवनिंग कौन सा ड्यूरेशन होता है जो पीआर इंटरवल को यहाँ पे शो कर रहा है क्या वो 0.04 0. से 0.12 है क्या वो 0.12 से 0.20 है क्या वो 0.08 से 0.12 है या 0.04 से 0.08 है राइट आंसर सबको लगाना है क्या इसका राइट आंसर होने वाला है सत्यवीर सी बता रहे हैं योगी जी सी बता रहे हैं प्रिंसी सी बता रही है सत्यवीर सी दी, दीप राम पटेल सी क्वेश्चन का आंसर तो मैं पहले ही दे चुका हूं सबके इंटरवल पहले ही बताए जा चुके हैं और कमललाल जी कुमावत बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं एक भचीड़ आपको मुबारक हो क्वेश्चन के आंसर बताने के बाद भी कौन सा क्वेश्चन है ये आपका भचीड़ क्वेश्चन है यानी कि इसके अंदर पीआर इंटरवल कितना होता है तो आपको पहले ही बता दिया गया है पीआर इंटरवल कितना है आपका जीरो पॉइंट बारह से लेकर के जीरो पॉइंट बीस सेकेंड यहाँ पे देखने को मिलता है यानी कि 0.12 से 0.20 जिस किसी के अंदर है आप उस पर अटैक कर दीजिए यानी कि राइट आंसर क्या होने वाला है आपका बी होने वाला है अब यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है तीन से पांच स्मॉल बॉक्स क्या लिखा हुआ है तीन से पांच स्मॉल बॉक्स इसकी भी कहानी आप फटाफट सुन लीजिए इसमें क्या होते हैं जब आप ईसीजी आप देख रहे थे उसमें एक बॉक्स थे ये एक लार्ज बॉक्स है ये क्या है एक लार्ज बॉक्स है यहाँ पे जो आपने बना दिया आपके लिए बनाया गया है इस लार्ज बॉक्स के अंदर क्या होता है छोटे छोटे पांच स्मॉल बॉक्स होते हैं ये एक दो तीन चार और पांच स्मॉल बॉक्स आपके सामने बना दिए गए ये छोटे छोटे पांच स्मॉल बॉक्स है अगर हम कहें एक बड़े स्मॉल बॉक्स को चलने में कितना टाइम लग रहा है तो हम कहेंगे जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू सेकेंड लग रहे हैं यानी एक बड़े चलने में कितना टाइम लगता है तो जीरो पॉइंट टू सेकेंड और एक छोटे स्मॉल बॉक्स को चलने में कितना टाइम लगता है तो पांच एक, तो एक में पांच इसलिए पांच का भाग दे दो यानी कि जीरो पॉइंट जीरो चार सेकेंड लगता है एक स्मॉल बॉक्स को अब मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो बारह यानी कि जीरो पॉइंट जीरो बारह यानी तीन स्मॉल बॉक्स हो गए और जीरो पॉइंट दो जीरो का मतलब क्या हो जाता है पांच स्मॉल बॉक्स हो गए यानी तीन से पांच स्मॉल बॉक्स का टाइम लगने वाला है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो डज एसटी एलिवेशन सजेस्ट एस टी एलिवेशन किस चीज को सजेस्ट करता है क्या वो बंडल ब्रांच ब्लॉक को करेगा हार्ट ब्लॉक या मोबिस को करेगा हार्ट मर्मर को करेगा या मायोकार्डियल माओकार्डियल को करने वाला है क्या यहाँ पे इसका राइट आंसर जाने वाला है डी होगा सर डी होगा एम आई होगा डी होगा डी होने वाला है डी होने वाला है बिल्कुल सही आप सब बता रहे हैं कि एस टी सेगमेंट यानी कि एस टी एलिवेशन कहा देखने को मिलेगा आपको तो आपको मायोकार्डियल इंफ्राम इंफ्रामेशन के अंदर देखने को मिलने वाला है बिल्कुल सही इसका राइट आंसर क्या होगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन देखने को मिलेगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा जुड़े रहिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुलभ होने वाला है यहां पे आपसे कुछ चीज पूछी गई है और क्या पूछा गया है जैसे आपका क्या है हार्ट है हार्ट है ये आपका प्रोपर प्रोपर इस तरीके से यहां पे हार्ट होता है इस तरीके से यहाँ पे हार्ट होता है यहां आपका ऐसे नोड होता है यहां आपका एवी नोड होता है बंडल ब्रांच होते हैं और यहाँ पे परकिंजे फाइबर होते हैं इस तरीके से यहां काम चलता है नेक्स्ट हमने क्या कहा यहां पे कि ऐसे नोड ऐसे नोड से क्या जाते हैं सब जगह इंपल्स जाते हैं ऐसे नोड से क्या होता है सब जगह इंपल्स जाते हैं अगर ऐसे नोड ने काम करना बंद कर दिया तो हम बोलेंगे ऐसे नोडल हार्ड ऐसे नोडल यहाँ पे ऐसे नोडल हार्ड ब्लॉक इसको हम कहने वाले हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं दो हार्ड ब्लॉक और एक और हार्ड ब्लॉक होता है एवी नोडल हार्ड ब्लॉक एवी नोड में क्या होता है कि तीन सेगमेंट होते हैं एक आपका कौन सा होगा फर्स्ट डिग्री एक होगा आपका सेकंड डिग्री एक आपका होता है यहाँ पे थर्ड डिग्री कौन से हैं ये तीनों तो हम इन तीनों के लिए बोलेंगे कि ये आपका एवी नोडल हार्ट ब्लॉक है ठीक है अगर सिंपल बात करें हम तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है एट्रियम से वेंट्रिकल तक सारी इंपल्स जाती है पर स्लोली स्लोली जाती है स्लोली स्लोली गाना याद रखो फर्स्ट हार्ट ब्लॉक में सेकंड में क्या होता है इंपल्स जाती तो है पर कुछ कुछ जाती है कुछ कुछ जाती है पर वो भी धीरे धीरे जाती है बिल्कुल स्लोली स्लोली फिर भी धीरे धीरे यानी कि इसके दो टाइप हो जाते हैं एक होता है मोबीज फर्स्ट बोलते हैं इसको और एक बोलते हैं इसको मोबीच सेकेंड बोलने वाले हैं सेकंड में और फर्स्ट में क्या अंतर है फर्स्ट के अंदर पीआर इंटरवल प्रोग्रेस होता है और पीआर इंटरवल प्रोग्रेस होता है साथ के साथ क्यूआरएस जो आपकी बीट है वो यहां पे एब्सेंट होती है यहां पे क्या होगा पीआर इंटरवल इंक्रीज होता है प्रोग्रेसली प्रो, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोग्रेसिवली पीआर इंटरवल तो यहाँ पे इंक्रीज होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है मिस देखने को मिलती है मिस्ड हो जाती है आपकी क्यू आर एस बीट और आपकी मोबीज फर्स्ट में क्या होता है यहाँ पे पी आर इंटरवल सेम रहता है पी आर इंटरवल सेम रहेगा यानी इंटेक्ट रहेगा और यहाँ पे आपकी क्यू आर एस सेगमेंट क्या हो जाता है मिस हो जाता है और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कंप्लीटली ट्रांसमिशन बंद हो जाता है यानी हार्ट पूरी तरह काम करना बंद कर देता है आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है एक ईसीजी परफॉर्म कर रहे PR, कि क्या देखने को मिला, आपका पी आर कैसा गायब है तो कौन सा होगा सेकेंड डिग्री होगा यानी यहाँ पे क्या होने वाला है सेकेंड डिग्री होने वाला हाइपर केलीमिया तो आप एलिवेट कर दीजिए साथ ही साथ आपका सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक यानी मोबीच टाइप टू अब मोबीच टाइप टू के अंदर क्या हो रहा था वहां पे पी आर तो यहां

देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना है आपको क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है यह आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन ऑफ डे है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में करना है साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है और साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी कंटेंटफुल लगी तो आप इसको शेयर करें अपने यार दोस्तों तक बताइए यार दोस्तों को इसी जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आज पढ़ा दिया गया है और साथियों समय हो चुका है प्रस्थान का फिर से मिलेंगे एक नए सेशन में तब तक बने रहिए कॉन्सेप्ट आ रहने के साथ में आपके अपने अजय सर कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं सबको शुभरात्रि